स्वागत है आपका। बंसल न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रगति शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं आज से 48 साल पहले की, जब ऑल इंडिया रेडियो पर एक आवाज सुनाई दी और 21 महीने के लिए पूरा देश थम गया। ये आवाज थी देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की। उनके शब्द थे, राष्ट्रपति ने इमरजेंसी की घोषणा कर दी है। 1975 में आज ही के दिन देश में इमरजेंसी लागू हुई थी। तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार की सिफारिश पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत देश में इमरजेंसी की घोषणा की थी। ये सब थमा 21 महीने बाद, जब 23 जनवरी 1977 को मार्च महीने में चुनाव की घोषणा हुई। बता दें कि 1971 के चुनाव में इंदिरा गांधी ने अपनी पार्टी को अभूतपूर्व जीत दिलाई थी। वो खुद भी बड़े मार्जिन से जीती थी। इंदिरा गांधी की जीत पर सवाल उठाते हुए उनके चुनावी प्रतिद्वंदी राज नारायण ने 1971 में अदालत का दरवाजा खटखटाया था। तो राज नारायण ने अपनी याचिका में आरोप लगाया था कि इंदिरा गांधी ने चुनाव जीतने के लिए गलत तरीकों का आजाद किया इस्तेमाल किया। मामले की सुनवाई हुई और इंदिरा गांधी के चुनाव को निरस्त कर दिया गया। इससे आक्रोशित होकर ही इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाने का फैसला किया था। जब छिन गए थे जनता के सारे अधिकार, ताक पर नियम कायदे रख दिए गए थे, एक आवाज और पूरा देश थम गया था। आज से 48 साल पहले की हम बात कर रहे हैं और देश में 25 जून 1975 को आपातकाल लगाया गया था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आपातकालीन की बरसी को लेकर अब ट्वीट किया है।